गाइस, वेलकम टू माय चैनल समर्थ बेबी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे जहां कहीं भी होंगे। यस गाइस, आज डे है मंडे। अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूं इवनिंग से, और ये मनीष जी का लंच है जो मोस्टली ये बिना खाए वापस लेके आते हैं। और आज गए थे ये WSM मॉल, तो वहीं से हल्दीराम से लेके आए राज कचौरी, क्योंकि जब भी मैं हल्दीराम में जाती हूँ या फिर मनीष जी जाते हैं तो मेरे लिए राज कचौरी जरूर लेके आते हैं, और मम्मा को भी बहुत पसंद है इसीलिए। और खाते हैं, मनीष जी भी खा लेते हैं, बट उनको थोड़ा कम पसंद है। और आज गई थी मैं बैंक, तो वहाँ पे क्या हुआ, माय गॉड, एक ऐसी औरत मिली हमें, मतलब हम लोगों को, वहाँ पे और भी लोग थे, उसके बारे में बाद में डिस्कस करूंगी, आप लोगों को बताऊंगी। फिलहाल राज कचौरी इंजॉय करते हैं, आइए आप लोग भी। और ये देख सकते हैं राज कचौरी मैंने प्लेट में बना लिया, क्योंकि वो छोटा सा बाउल था, उसमें नहीं खा पाते हम लोग इसीलिए। और मम्मा मिला रही है, तो बस मैं खा रही हूँ और कह रही हूँ। इसमें एक आलू का चाहता अचारी आलू, वो इतना मुझे पसंद है बहुत ज़्यादा। अगर मैं जाती हूँ और मैं पैक करवाती हूँ उसको, अलग से लेके आती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। वो थोड़ी सी ना स्पाइसी और कच्ची आलू की बनाते हैं वो लोग, पता नहीं कैसे बनाते हैं, इतनी टेस्टी और इतनी यम्मी, बहुत अच्छा लगता है। हल्दीराम का मोस्टली चीज़ें सारी अच्छी लगती है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, आज डे है ट्यूजडे और मम्मा बना रही है सब्जी बेसन की। तो ये सब्जी कुछ था नहीं, ख़त्म हो गया था, तो बेसन का ही बना रही है। चाय उबल रहा है और ये बेसन को पानी में ऐसे ही बना के रखेगी, बॉइल्ड पानी में। बेसन में कुछ भी नहीं है, हल्दी, मिर्च, अजवाइन, नमक डाल के और ऑयल में साना जाता है। ये बेसन टोटली ऑयल में ही सानते हैं और बहुत। हे गाइस, गुड आफ्टरनून, अभी टाइम हो रहा है 12:30 और आज थोड़ा सा लेट हो गया नहाने में और खाना खाने में। ऑब्वियसली अभी जस्ट मैं नहाई हूँ, नहाने के बाद आई हूँ खाना खाने के लिए। और सब्जी का मैंने पूरा सुबह नहीं दिखा पाई थी, क्योंकि पता ही है बाबू, ये देख सकते हैं ये सब्जी फाइनल, और बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है ये सब्जी खाने में। काफ़ी टाइम बाद मम्मा ने बनाया है, मतलब मैंने ही बनवाया था, क्योंकि मुझे नहीं आता है बनाने प्रॉपरली, मम्मी ही बनाती है। और ये कल वाला लाइनर अब तक लगा हुआ है। हाँ, और कल मैंने पूरी बात आप लोगों को नहीं बताई थी, बैंक वाली बात, कि मतलब वो एक लेडीज़ मिली थी हमें बैंक में, मतलब मुझे ही मिली थी, और भी लोग थे वहाँ पे, मतलब वो ऐसी औरत थी, माय गॉड, कोई औरत ऐसे कैसे कर सकता है, अपने ही बच्चे को पैदा करके बेचेगी वो। और बाकी चीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले मैं खा लेती हूँ, तब तक आप वो वाला वीडियो देखिए। मैंने छोटा सा ही क्लिप मैंने बनाया, ज़्यादा नहीं बनाया, बस छोटा सा क्लिप बनाया, वो आप लोग देखिए, तब तक मैं खा के मिलती हूँ आप लोगों से। दिखाने नहीं हूँ, पैदा होने की बात की है, बच्चा पैदा दूसरे दिन की, इससे भी खूबसूरत हो, ये तो कुछ भी नहीं है, सच में बहुत सुंदर। ये पहले की फोटो देख लोगी तो ये कहोगी कृषि चिंता भी खेलती मेरे आगे, इतनी खूबसूरत थी, मेरे मामू लड़के कहते थे कृषि चिंता है। बताओ गम 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 क्या नहीं, औरत ही जानती है, औरत तो गम औरत ही जान सकती है। क्यों खा रही सुबह से यहाँ लाइन में खड़ी हूँ, आदमी को ये नहीं परवाह है कि बच्चे को, तो छोड़ना है आदमी को, छोड़ दो, छोड़ा जब जाता है जब। अरे महिला मंडल से केस डालो, केस डालो, एक औरत क्या नहीं कर सकती, जो औरत जो है बच्चों के बारे में नहीं सोचती कि वो ये सब काम करेगी, अरे जो बच्चों को मुझे देखती है वो सब नहीं करेगी, क्यों केस करोगे तो बच्चा भी आपके पास रहेगा, पैसा भी देगा, अपनी जिंदगी पूरी भगवान दी पे चल रही है, बच्चे के बारे में सोचे पहले, उसके बारे में सोचे ना उसका क्या बनना है, हराम का बच्चा बेच दिया, बताओ उस पर इतना बड़ा केस बनेगा, उसको छोड़ रखा नहीं, जरा धमका के मेरे से सिग्नेचर भी तो लिए कोर्ट के द्वारा दिया। हे गाइस, और मेरा खाना हो गया, मैंने खाना खा लिया है, और बाल ओपन इसलिए कर रखी हूँ क्योंकि नहाते टाइम नहीं है, पूरा गीला हो गया है ये पूरा, मतलब बाल गीला हो रखा है, तो जस्ट पंखे के नीचे बैठी हूँ ताकि सूख जाए। कूलर मैंने चलाया नहीं है अभी, क्योंकि ये वाला कूलर बहुत बहुत ठंडी हवा देती है, बहुत ज़्यादा,
तो इसलिए मैंने ऑन नहीं किया। और आप लोग वीडियो देख लिए ना कि मतलब दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं। और समझ नहीं आ रहा, वहां पे बहुत सारे लोग थे, सब उसी लेडी को देख रहे थे, मुंह में गुटखा भरी हुई है और बोल रही थी कि पूरा दिन हमने खाना नहीं खाया, हमने गुटके पे गुजारा है, हमारे अंदर गम है, हमारी माँ मतलब बचपन में ही चल बसी, मेरी सिस्टर चल बसी थी, मतलब अपनी सारी रामायण। मैंने कहा यार हर किसी के लाइफ में गम होता है तो गुटखा क्यों खाते हैं, आपके बच्चे हैं, दो बच्चे थे उसके, उस टाइम पे भी दो बच्चे ले रखी थी, मतलब इतना डिस्टेंस था कि एक साल का ही होगा, एक डेढ़ साल का, दोनों छोटे छोटे ही बच्चे थे, एक तो कंधे पे था और एक उधर उस साइड बैठा रखी थी वो। तो सारे वहां पे उससे कह रहे थे कि क्यों खाती हो गुटखा, तो बस मैं गम में खाती हूँ, कोई शौक से शराबी शराब नहीं पीता है, इंक्वायरी शराबी भी कोई शौक से शराब नहीं पीता है, उसे गम से ही पीता है, मतलब अजीब। और वो पैसा लेने आई थी बैंक में, वही जो बेबी मतलब बोल रही थी कि ये उसका बेबी, एक दो महीने पहले ही उसने एक बेबी को जन्म दिया था, उसको उसका आदमी ने बेच दिया। मैंने कहा फिर केस क्यों नहीं किया, तो केस वही लेडीज कर सकती है जिसको अपने बच्चे की परवाह नहीं है। मुझे अपने बच्चे की परवाह है, जो है वो तो है मेरे पास, और कह रही है उसी के पैसे के चक्कर में तो आई हूँ, मतलब उसको बेच के जो पैसा आया था उसके अकाउंट में, वो पैसे के चक्कर के लिए बैंक में आ रखी थी वो। और क्या था पता नहीं, उसकी बातें मुझे थोड़ी बहुत समझ में भी नहीं आ रही थी, मैंने तो इसलिए थोड़ा सा सूट की क्योंकि वहां पे और भी लोग थे, उसका वीडियो बना रहे थे, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा मैं सूट कर लेती हूँ, ज्यादा नहीं करूंगी क्योंकि इन लोगों का क्या मतलब, वहीं पे बैंक में तो पुलिस वाले वगैरह भी होते हैं, सब कोई थे, लेकिन वही है ना आज के टाइम में यही लोग सोचते हैं किसी से क्या पढ़ो, किसी से किसको क्या लेना, यही सोचते हैं। लेकिन अब कह रही है मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि वो मेरा बच्चा ला देगा, इसीलिए मैं चुप हूँ। मैंने कहा चुप क्यों, सॉरी वो बाबू उठ गया था तो बस उसी को मैं सिलाने लगी थी दोबारा। और आज कुंदन भी ऑफ पे है लेकिन वो बाहर गया है किसी काम से, जीजू के साथ गया है वो। तो वही मैं कह रही थी कि मतलब ऐसी लेडीज है। और एक चीज उसने क्या बताया था, हाँ कि उसने ना साइन किया हुआ है, जो फॉर्म होता है या कोई लिया होगा बेबी को या कुछ भी, तो उस पर ना साइन करवाया था, और इस लेडी ने साइन भी किया हुआ है। और मैंने कहा अब क्या गारंटी है कि तुम्हारे और बच्चे ना बेचे, और लेडी भी थी वहां पे वही कह रही थी नहीं अब नहीं बेचेगा, उसकी बेइज्जती कर दी मैंने, पूरी समाज में बेइज्जती हो गई, अरे बेइज्जती, हम लोगों ने बोला कि इसको केस कर दो ये कर दो, नहीं वही लोग कर सकते हैं जिन्हें अपनी बच्चों की परवाह नहीं है। मेरा जान वो देखिए कि तुमको दिखाती हूँ, मुझे लगा था ये सो गया लेकिन सोया नहीं है। क्या क्लेचर दे रहा अम्मा को, दो क्लेचर दो, दो यहाँ लगा दो किटू, यहाँ लगाओ सर पे, यहाँ लगा दो, लगा दो मेरे बाबू, अली भैया लगा दो किटू सर पे, लगाओ मम्मा के क्लेचर, क्लेचर लगाओ, लगाओ लगाओ। मुझे लगा था ये सोया लेकिन सोया नहीं था, जगह हुआ था आज, चलो सिसु कहने चलो कमॉन, शीशे में देख के तब लगाएगा क्लेचर। हाँ तो इससे साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं उस लेडी की भी गलती है, वरना कोई भी माँ कैसे अपने बच्चे को बेचने दे सकती है। और अभी भी वो उसी इंसान के साथ रह रही है जिसने उसका बच्चा बेचा है, पता नहीं कैसे कैसे लोग होते हैं इस दुनिया में, समझ नहीं आता है। एक माँ तो कभी ऐसा नहीं होने दे सकती है, आप एक इंसान का तो छोड़िए, जो जानवर होते हैं ना वो भी मतलब अपने बच्चों को बिल्कुल दूर नहीं होने दे सकते। हाँ तो चलिए गाइस ये वाला ब्लॉग ही समझ लीजिए, छोटा सा ब्लॉग ही है, आजकल मैं ज्यादा लॉन्ग लॉन्ग नहीं बना रही हूँ क्योंकि कोई वॉच नहीं करता है और फिर क्या फायदा ज्यादा लॉन्ग बनाने से, इसीलिए मैं छोटा छोटा ही बनाऊंगी, रोज पब्लिश करूंगी। तो चलिए गाइस बाय बाय, देखती हूँ यहाँ कब तक हूँ और कब फरीदाबाद जाना होता है मेरा, ये बाल वगैरह, चलिए तो मैं बाल वगैरह में कुम वुम कर लेती हूँ। बाय गाइस, बाय कर दो, बाय करो, बाय बाय करो, बाय किटू, बाय बाय, चलिए गाइस बाय बाय।